and today's topic is contribution of agriculture to the national economy, employment and output. तो कल जैसे कि हम पढ़े थे कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना गया है, यानी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इसका बहुत सारा जो शेयर है वो जीडीपी में जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाता है। एंड अबाउट 2010 और 11 में 52% ऑफ एग्रीकल्चर शेयर वेंट टू जीडीपी। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए हैं, उसके लिए उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, वेटरनरी सर्विसेज बनाई गई। मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज़ वेटरनरी सर्विस, पशु चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं जो उसमें फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए भी, सर्विसेज के लिए भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। देन एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, कल बताया था मैंने, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है इन द फील्ड। देन मेटलॉजी, मेटलॉजी मैंने कल बताया था व्हाट इज़ मेटलॉजी, वो जहाँ पे मौसम विभाग के बारे में बताया जाता है, वेदर फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, अब जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है ओवर ईयर, बट वो जनरेटिंग नॉट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में जीडीपी तो डेवलप हो रहा है लेकिन क्या नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। और मोर एवर जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो भी नीचे की ओर जा रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। देन इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, तो जो हमारे किसान हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने हैं, जिससे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, और जिसमें कि वो जो रिडक्शन है वो कम कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर्स। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि उनको सब्सिडीज देनी पड़ रही है फर्टिलाइज़र पर, यानी कि क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइज़र पर किसान क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट उसमें डिक्रीज कर रही है उसके कॉस्ट पे, ताकि किसान उनको यूज़ कर सकें। फिर जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट, वो सामान जो हमारी कंट्री से बाहर जाता है, और इंपोर्ट जो बाहर से हमारी कंट्री में आता है। तो जो चीज़ें हमारी कंट्री में बाहर से आ रही हैं उन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको भी कम किया जाता है, ताकि वो इंडिया के जो किसान हैं उसको खरीद सकें। ठीक है, देन फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉय। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे कि जो किसान हैं उनको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कई बार किसान जो है वो इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा लगाना, अपने कृषि में पैसे लगाने से वो लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। वाई बंद कर दो, जो किसान है वो इन्वेस्टमेंट से क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक में, दैट इज फूड सिक्योरिटी। ऑल दो आपको ये नोट करके रखना है कि फूड सिक्योरिटी विल नॉट कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है खाद्य सुरक्षा, यानी कि ऐसे खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि जहाँ पर पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फूड मिले, फूड अवेलेबल हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लेवल पर नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को क्या किया हुआ, लागू किया गया है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है बफर स्टॉक और एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का मतलब होता है जहाँ पर जितने भी ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है लोगों को, एसेंशियल कॉमोडिटीज इन ए सब्सिडाइज रेट। तो उसके लिए क्या की है, राशन शॉप्स बनाई गई हैं, आप लोगों के घर में भी राशन कार्ड्स होंगे, है ना। तो जो राशन कार्ड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि सभी लोगों को टाइम पर जो है क्या मिल सके, फूड मिल सके, अनाज मिल सके।
लगभग दो तीन तरह के कार्ड्स भी हैं, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है। तो ये जो कार्ड्स हैं वो क्यों बनाए गए, राशन कार्ड्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि लोगों को क्या मिल सके, फूड मिल सके। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाया हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस बनाया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या है पीडीएस सिस्टम का, टू प्रोवाइड फूड टू ऑल द पीपल इन अफोर्डेबल प्राइस। यानी कि वो जो उनके जो जिसमें वो खरीदने में सक्षम हो उस सिस्टम को उन्होंने लागू किया था, इसने हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, इज इट क्लियर? देन एक बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक में का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा स्टोर काइंड बना देती है जहाँ पर पूरा स्टॉक होता है किसका, फूड ग्रेन्स का, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। इज इट क्लियर? अब हम एक लास्ट टॉपिक पे चल रहे चैप्टर के, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंट्री। सबसे पहले इम्पैक्ट का मतलब क्या है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज इंटरलिंकिंग ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश से जुड़ता है, किसके माध्यम से, या तो व्यापार के माध्यम से, या शिक्षा के माध्यम से, या संस्कृति के माध्यम से, या कल्चर के माध्यम से। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे व्यापार की कनेक्टिविटी है थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन पर जो विश्व में जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव एग्रीकल्चर पर क्या पड़ रहा है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ टॉपिक क्लियर हुआ, व्हाट डू मीन बाय टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्या मीनिंग हुआ इसका, कैन एनीबॉडी टेल मी, एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, जो हम एग्रीकल्चर जिस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं उसका ग्लोबलाइजेशन पर क्या प्रभाव है, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ओनली रेज योर हैंड, लास्ट वाला बच्चा बताएगा। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि तुम मेरे को नहीं सुन रहे हो, कभी तुम उधर देख रहे हो, कभी लड़कियों की तरफ देख रहे हो, आगे आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ, कम यार, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, हाँ आशय बताओ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, इन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, व्हेन द कंट्रीज इंटरलिंक विद ईच अदर, जब कंट्रियाँ एक दूसरे से संपर्क करती हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो वो जो ग्लोबलाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसका एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव होता है, इसका यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जब बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए तो वो इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड डिफरेंट कंट्रीज। तो आप सोच सकते हैं कि 19वीं सदी में हमारे बहुत सारे मसाले विदेशों में जाते थे। ठीक है, तो अगर मान लो हमारी कंट्री से मसाले दूसरे देशों में जा रहे हैं तो वो कैसे कैसा ट्रेड हो जाएगा बच्चों, अगेन ग्लोबलाइजेशन, है ना, क्योंकि हमारी देश से गर्म मसाले कहाँ जाते थे, विदेशों में जाते थे। एंड द फार्मर्स वर एनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स, और जो हमारे किसान थे उनको एनकरेज किया जाता था कि वो इन फसलों को लगाएं, क्योंकि इन फसलों की डिमांड कहाँ पे थी, फॉरेन कंट्रीज में थी, स्पेशली गर्म मसाले, स्पाइसेस, काली मिर्च हो गया, ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लौंग हो गया, बड़ी इलायची हो गया, ये सारे के सारे कहाँ होते थे, एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, कहाँ होते थे, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में इसकी ज़्यादा डिमांड थी, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि हमारे जो किसान हैं वो भी इन्हीं फसलों को उगाएं। इज इट क्लियर? एंड एवरी इवन टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया, और आज भी वर्तमान में हमारी इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट होती हैं। तो वर्तमान में भी प्रेजेंटली विच आइटम इज एक्सपोर्टेड टू टू अदर कंट्रीज, स्पाइसेस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब हमारी कंट्री से स्पाइसेस दूसरी कंट्री में जा रही हैं, इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द सीन ऑफ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन मींस व्हेन द वन कंट्री कनेक्टेड विद द अनदर कंट्री विद एनी मीन, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कल्चर हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। और हमारी कंट्री में तो 19th सेंचुरी में ही ग्लोबलाइजेशन देखा गया, बिकॉज
spices were exporting from India to other European countries and it was in great demand. और जब वो great demand में था तो it was expected from our farmers to grow more and more spices in the country. Is it clear? सब बच्चों clear हो गया? अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, यस, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए बच्चों, तो आपको जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में केवल 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 अपना प्रॉफिट चाहते थे, केवल अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहते थे, ठीक है. और जब वो केवल अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि इंडिया की कंडीशन कैसी है. तो उन्होंने एक तरीके से इंडिया के मार्केट्स पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उनकी मोनोपोली थी, उनका एक अधिकार था. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको वो एरिया दिखाई दिया जहाँ पे ब्लैक सॉइल एरिया था, जहाँ पे केवल कॉटन ग्रो हो सकती थी. और उस कॉटन को वो बहुत ही सस्ते दामों में खरीदते थे और उसको वो उन कॉटन्स को रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन पहुँचा देते थे, लंदन में पहुँचा देते थे. तब वो लंदन में कॉटन जो है टेक्सटाइल के रूप में कन्वर्ट होके वापस इंडिया में बिकने के लिए आ जाता था, ठीक है. तो अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही शुरू हो गया था. ब्रिटिशर्स इंडिया से क्या होगा पाना चाहते थे, कॉटन, है ना, कॉटन को उगाना चाहते थे क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव थे. एंड इवेंचुअली क्या होने लगा कि जब वो इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में तो बहुत सारा कॉटन होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द कॉटन टू वेयर, टू ब्रिटेन. इज इट क्लियर? तो अब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल कच्चा माल कॉटन के रूप में इंडिया से बाहर जाने लगा और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाता था, क्योंकि हमारे कॉटन की डिमांड कहाँ थी, यूरोपियन कंट्रीज में थी. इज इट क्लियर? अब क्या करते थे ब्रिटिशर्स, एट वेरी लो प्राइस दे परचेज दिस कॉटन. इंडिया में उगवाते थे, किसानों को कहते थे भाई तुम जबरदस्ती इनको क्या कहते थे, क्या उगाओ, कॉटन उगा. और कॉटन जो है वो सस्ते दामों में उसको खरीदते थे और उसको वापस कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन भेज देते थे. फिर वहाँ से कपड़ा बनता था. तो मैंने यानी कि इंडिया क्या था, प्राइमरी सेक्टर था, और सेकेंडरी सेक्टर क्या था, ब्रिटेन था, जहाँ से वो प्रोसेस होता था और प्रोसेस होकर वापस इंडिया में बिकने आ जाता था. तो दो चीज़ें उनके पास थी, एक तो सेकेंडरी सेक्टर और एक थर्ड सेक्टर भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह से जो इंडियन मेड गुड, इंडियन जो रॉ मटेरियल था वो कन्वर्ट होता था और ब्रिटिश मेड गुड्स वापस इंडिया के मार्केट्स में बिकने के लिए आ जाते थे. इज इट क्लियर? तो ये ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत थी वहाँ पे. और चंपारण, जिसके लिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन भी चलाया था, चंपारण मूवमेंट चलाया था. बच्चों चंपारण में क्या होता था, वो एरिया था जहाँ पर इंडिगो ग्रो करते थे. इंडिगो मतलब नील, तो नील की खेती होती थी. आपने सुन, घर में जो कपड़े में रंगते हैं नील, उस नील की बात कर रही हूँ मैं. तो वो जो नील था वो इंडिगो था, वो चंपारण यानी कि बिहार में ग्रो होता था, उस वो एरिया था जिसकी नज़र ब्रिटिशर्स पे पड़ी, ब्रिटिशर्स की उस पर नज़र पड़ी, ठीक है. अब वो इंडिगो का यूज़ क्यों करते थे, इंडिगो यूज़ करते थे कपड़ों को रंगने के लिए, टेक्सटाइल के लिए, ब्रिटिश टेक्सटाइल की उसकी ज़रूरत पड़ी. तो फिर से यानी कि इंडिया के गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में तो कॉटन ग्रो होने लगा और वहीं बिहार में चंपारण में इंडिगो ग्रो होने लगा. इस तरह से टोटली किसका एक्सप्लोटेशन था, इंडिया का एक्सप्लोटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन था. किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा. देयर वाज अ टोटल एक्सप्लोटेशन ऑफ द हुम, ऑफ द इंडियंस, ठीक है, अंडर ग्लोबलाइजेशन, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990. तो 1990 के बाद कुछ चेंजेस हुए. सबसे पहले इंडियन फार्मर्स वर बीइंग एक्सपोर्ट टू न्यू चैलेंजेस. डिस्पाइट इंडिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू देयर हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री. अब इंडिया के किसानों के सामने क्या समस्या आई, वो समस्या आई कि हमारे देश में उत्पादित वस्तुएं विदेशों से बनी वस्तुओं से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. यानी कि जैसे कि हमारे स्कूल, हमारे जो था इंडिया में क्या क्या हो रहा था, राइस हो रहा था, कॉटन हो रहा था, रबड़ हो रहा था, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइसेस हो तो रहे थे, लेकिन वो किससे कॉम्पीट नहीं कर रहे थे, विदेशों में उत्पादित होने वस्तुओं से वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. यहाँ पे समझ आ गया. अब क्या हुआ, टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट कंडीशन ऑफ मार्जिनल स्मॉल फार्मर. अब इंडिया की कंडीशन को सुधारने के लिए
बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर इंडिया के जो स्मॉल फार्मर्स थे वो किस पर निर्भर होते थे, कृषि में स्मॉल जो फार्मर्स होते थे वो किस पे, वर्षा पर, रेन पर। तो उसके मतलब क्या हो गया, उनके पास प्रॉपर क्या नहीं थे, उनके पास प्रॉपर इनपुट्स नहीं थे डालने के लिए। इनपुट्स एंड आउटपुट दो चीज़ें होती है बेटा। इनपुट का मतलब होता है एग्रीकल्चर में डालना, इनपुट मतलब डालना, और आउटपुट मतलब एग्रीकल्चर से क्या बाहर आ रहा है। तो हमारी कंट्री में क्या था कि हमारी कंट्री के जो किसान थे वो वर्षा पर निर्भर होते थे, उनके पास ना तो मॉडर्न टेक्निक्स थी, ना वो HIV ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ना ही वो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे थे, ना ही पेस्टिसाइड यूज़ कर पा रहे थे। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए 1960s के दशक में क्या चलाया, कल हमने पढ़ा था, वॉट वॉज दैट, दैट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री में चलाया गया, सॉरी कौन से स्टेट में चलाया गया, पंजाब एंड हरियाणा में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है इन वीट, इन द फील्ड ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन से थोड़ा बहुत जो था किसानों को फ़ायदा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि इंडियंस जो फार्मर्स थे उनको सेटबैक था, एंड दैट वॉज लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीनों का गिरना। और जो थे हम जो अगर ये देखें तो अब धीरे धीरे जब केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए या पेस्टिसाइड्स यूज होने लगे थे तो इससे क्या होने लगा कि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी आ गए। भाई ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से या ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से या ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, लैंड की जो उर्वरता है या लैंड का जो उपजाऊपन है वो क्या होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पे इंडियन फार्मर्स को भी ये चैलेंज फेस करना पड़ा। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडियन किसान को, सबसे पहला जो चैलेंज था वो क्या था, सबसे पहले चैलेंज था कि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडियन यूरोपियन मार्केट से, है ना। दूसरा चैलेंज क्या था, हाँ इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं थे। इनपुट्स में अगर देखा जाए तो उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, है ना। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। और ग्रीन रेवोल्यूशन में का मतलब क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उत्पादन करना है। किस फील्ड में, राइस और वीट के फील्ड में। और दो स्टेट्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखे गए। वो नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा मैन्योर यूज़ करने से हमारी लैंड की फर्टिलिटी क्या होने लगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ये एक नेगेटिव सेटबैक जो था आने लगा। अब जो इंडियन फार्मर्स थे उनको बहुत सारा फ्यूचर्स की जो परेशानी थी वो सताने लगी। और वो परेशानी थी कि हमारी कंट्री में स्मॉल होल्डिंग्स थी। स्मॉल होल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के टुकड़े हो चुके थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी राइट ऑफ इनहेरिटेंस था। व्हाट वाज राइट ऑफ इनहेरिटेंस, पिता के बाद उसके पुत्रों को ज़मीन मिलेगी। तो अगर मान लो एक पिता पर 80 एकड़ ज़मीन है और उसके चार पुत्र हैं तो 20-20 एकड़ सब पे आ गई। तो उसका मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे ये एक सेटबैक था इंडियन एग्रीकल्चर में कि जो लैंड होल्डिंग्स थी वो छोटी छोटी पड़ने लगी थी, ठीक है। और हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न था उसमें भी डाइवर्सिटी पाई गई है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा था लैंड का। तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े इंडिया पे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे बच्चों एग्रीकल्चर में, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन आने से हमारी कंट्री का माल एक्सपोर्ट भी हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट ये भी था कि इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आ गया था, है ना। इंडिया में नई टेक्निक यूज़ होने लगी, इंडिया में नए पेस्टिसाइड यूज़ होने गए, इंडिया में नए फर्टिलाइजर यूज़ होने गए, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर के कारण क्या हो जाएगा, यस। और क्या था, हाँ दे वर अनेबल टू कम्पीट विद द यूरोपियन मार्केट से, वो क्या नहीं कर पा रहे थे, अच्छा हाँ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरी बात है कि इंडिया के पास का जो क्लाइमेट था वो डाइवर्स था,
है ना, एंड कैन भी हमेशा चेंज हो जाता था, तो इसलिए भी क्या 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 परेशानी हुई, क्या परेशानी हुई, इंडियन एग्रीकल्चर को एक ग्रेट सेटबैक मिला इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या तैयारी करनी है, मैं फिर से रिपीट बता रही हूँ, मैं आपको फूड सिक्योरिटी नहीं करना है इस चैप्टर में बिकॉज इट इज़ रिलेटेड इन योर चैप्टर, ठीक है। फिर आपको इसमें जो चीज़ें करनी है वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला जो हमने किया था इसके मैप आपको करने हैं बोर्ड तैयारी के लिए, एग्रीकल्चर में हमें करना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न करना है, यस, देन डिफरेंट राइस वगैरह के बारे में पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट है राइस, वीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस, वीट, मिलेट, कॉफी, टी, हॉर्टिकल्चर, फाइबर क्रॉप्स, फिर हमारा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, then what are steps taken by government to improve agriculture, what are the steps taken by government to improve agriculture, bhudan, gramdan, bhudan, gramdan, fir contribution of agriculture in indian economy, contribution of agriculture in Indian economy, then impact of globalization on agriculture, this is the last topic, okay, this is the last topic। अब हम मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, हम इस चैप्टर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहला है कि इंडिया इज एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री बिकॉज टू मैक्सिमम परसेंट ऑफ about near about 80% of the people they are engaged in agriculture, so it provide employment to the people। dusri baat agriculture kaun sa sector hai, primary sector hai, fir yes primary sector hai, then agriculture produce most of the food that we consume, jitna bhi hum khate hain wo hame kahan se mil raha hai, agriculture se mil raha hai, fir jo agriculture hai wo raw material provide karta hai kisko, industries ko, isliye hamare jeevan mein agriculture bahut important hai, theek hai। आप कैसे बताएंगे कि वाई एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी इज़ द बैकबोन टू, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ बैकबोन टू इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर होती है, कृषि पर निर्भर रहती है। फिर हम जो भोजन लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड वी कंज्यूम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। देन एग्रीकल्चर में जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो किस पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। तो जो बच्चों जो इंडस्ट्रीज़
जो कि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती है, तो उन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं हम? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर में कि कौन सी इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड होंगी जो एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है, जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, है ना, शुगर केन रॉ मटेरियल है, वो प्रोसेस होता है चीनी में या शुगर में, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या दे रहा है? रॉ मटेरियल दे रहा है। इज इट क्लियर? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? जो एग्रीकल्चर से उनको रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हमारे जीवन में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि वे रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है, और जो भी फूड हम जो खाते हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, अब आपको मीनिंग बताना चाहिए कि एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एग्रीकल्चर डजंट मीन ओनली डूइंग एग्रीकल्चर इन द फील्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि कोई किसान जाके खेत में काम कर रहा है। नो बेटा, एग्रीकल्चर में आता है बच्चों एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट्री यानी कि वनों से जो जंगल उत्पाद करते हैं, फिशिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या डिफाइन करती हैं? एग्रीकल्चर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग में इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है, तब किसान क्या ढूंढता है? अल्टरनेटिव वर्क को ढूंढता है ना, कि वो कुछ और भी काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर डजंट इंक्लूड ओनली कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इट व्हाट डज इट इंक्लूड? लास्ट गर्ल बताओ बेटा, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें होती है? और कोई बच्चा? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट्री, ठीक है, फिशिंग, माइनिंग, ऑल दिस कम अंडर द एग्रीकल्चर, एंड ऑल दीज आर प्राइमरी सेक्टर। ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर होते हैं। एंड वॉट इज प्राइमरी सेक्टर? वॉट इज अनदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर? एग्रीकल्चर इज अनदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देन इट इज रिलेटेड विद लैंड एंड नेचर डायरेक्टली। ये लैंड और नेचर से यानी कि जमीन भूमि से और प्रकृति से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब कितने तरीके की फार्मिंग है? मैंने क्या बताया था? PIR, PIC, P primitive subsistence farming, I intensive subsistence farming and C commercial farming। तो तीन तरीके की फार्मिंग होती है बच्चों। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब primitive subsistence जो फार्मिंग होती है वो primitive मतलब पुराना, ओल्ड, ठीक है, आरंभिक निर्वाह कृषि हिंदी में बोलते हैं। तो primitive subsistence farming कैसी टाइप की फार्मिंग है? पुराने तरीके की, ठीक है, ओल्ड टाइप की है। अब इसमें ओल्ड टाइप में वो पुराने औजारों का यूज़ कर रहा है। किसान किस पर निर्भर होता है? मानसून पर, वर्षा पर निर्भर होता है। फिर उसमें जो प्रोडक्टिविटी वो कम होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आती है, कल्टीवेशन आता है, वो होता है स्लैश एंड बर्न। वॉट इज स्लैश एंड बर्न? उसका दूसरा नाम क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट में क्या कहलाता है? झूमिंग खेती कहलाता है, है ना। तो ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि जो किसान है वो केवल अपने उगाने के लिए कंज्यूम कर पाता है। प्रिमिटिव की बात करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग में किसान पेस्टिसाइड यूज़ करता है या फर्टिलाइजर यूज़ करता है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल होल्डिंग्स हो जाती हैं। तो इस वाली कृषि में यानी कि जो सेकेंड वाली कृषि है उस पर लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लैंड पर क्या है? बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और लैंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों प्रेशर है? क्योंकि जिस भी जगह पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ग्रेन की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में इंटेंसिव जो कल्टीवेशन है उसमें भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट वाला कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्यों की जाती है? कमर्शियल मतलब ट्रेड, केवल व्यापार के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। तो इंडिया में कमर्शियल फार्मिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या लगाए? प्लांटेशन किया बेटा, बागान लगाए। जैसे कि चाय का बागान, कहाँ पर है चाय का बागान? इंडिया में, आसाम में, है ना। तो बागान क्या होते हैं, प्लांटेशन क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे भी। प्लांटेशन क्या होता है? केवल एक ही बच्चा, ऐसा लगता है केवल एक ही बच्चा पढ़ रहा है मुझसे,
वेयर अ सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में केवल एक ही फसल उगाई जाती, कोई अन्य फसल नहीं लगाई जाती, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। और अंग्रेजों ने ये प्लांटेशन इंडिया में क्यों लगाया होगा, ताकि वो क्या कमा सके, ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सके, पैसा और प्रॉफिट कमा सके। तो कमर्शियल प्लांटेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल प्लांटेशन फार्मिंग है ना, प्लांटेशन भी हो सकता है। अच्छा, मुझे मैंने तीनों आपको पढ़ा दिए, तो मुझे बताइए कि इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग देयर इज स्लैश एंड बर्न, ओनली रेजन, केवल हाथ खड़ा करेंगे, किस तरह की फार्मिंग में स्लैश एंड बर्न था बेटा? यस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्लैश एंड बर्न होता है। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न? स्लैश एंड बर्न होता है क्या है? हाँ वास्तु बताओ, उनको फार्मिंग के लिए तैयार किया जाता है, और जब उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है तब वो लैंड लोग उस लैंड को छोड़ देते हैं और सर्च करने लगते हैं दूसरा लैंड। इसलिए इसको क्या बोला गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वो लोग एक जगह खेती नहीं कर रहे हैं, वो 3-4 साल बाद उस लैंड को छोड़कर दूसरी जगह जब वो चले जाते हैं, इसका मतलब दे वर डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी? देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी। वाई? दे यूज प्रिमिटिव टूल्स, इनपुट्स कम थे उनके, आउटपुट नेचुरल था, जब इनपुट कम है तो आउटपुट भी कम होगा। फिर वो किस पर डिपेंडेंट थे? मानसून पर, वर्षा पर निर्भर होते थे, और जब वर्षा पर निर्भर है तो कभी कभी वर्षा आ रही है तो जिस साल वर्षा आई उस साल की खेती अच्छी हो जाती थी, जिस साल वर्षा नहीं होती थी उस साल की खेती अच्छी नहीं होती थी। यस, दे वर नॉट यूजिंग द कमर्शियल पर्पस, ओनली सस्टेन ऑफ देयर लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए वो उगा पाते थे। और उनकी जो स्लैश एंड बर्न में जब उनकी फर्टिलिटी लैंड की ख़त्म हो जाती थी तब उनको क्या करना पड़ता था, उनको शिफ्ट करना पड़ता था। आपकी बुक में डिफरेंट नेम दिए गए हैं, उन बुक्स में डिफरेंट नेम्स को आपको याद करना है। दिए हुए डिफरेंट नेम्स, दिए मैंने बेटा, नॉर्थ ईस्ट में क्या कह रहे हैं, झूमिंग कह रहे हैं, मणिपुर में पाम्पलो कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कह रहे हैं, अंडमान निकोबार में दीपा कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेड़वार या धैया कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कोडू या पेंडा, उड़ीसा में कोमन, वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में बेयर और वाल्टर, देन हिमालय बेल्ट में खिल, और झारखंड में खुरु और कुरुआ। एक है आपकी बुक में, ठीक है, ऐसे ही आपका मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे, इसको तो अंडरलाइन कर लो आप लोग कि मिल्पा कहाँ कहाँ जा रहा है, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, कौन सी कल्टीवेशन को, कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका में और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुको, ठीक है, देन ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वर्ल्ड का पूछेंगे स्पेशली। और लास्ट ईयर भी ये लास्ट टू लास्ट ईयर ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि झूम खेती को वर्ल्ड लेवल पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किन किन नामों से जाना जाता है, आपको मैच द टेबल भी दे सकते हैं, इसमें बुक में दिया है ना, पूरा वर्ल्ड लेवल का दिया होगा, कौन कौन सी कंट्री दी हुई है। हाँ, वियतनाम में क्या है, रे है ना, इंडोनेशिया में दिया हुआ, इंडोनेशिया, हाँ, देन सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल है ना, ब्राज़ील में रोका, अगर नहीं है तो रोका है, ठीक है, आपको ये लर्न करना है बेटा, इस पे मैच द टेबल आएगा, और वहाँ बुक में लिख भी लो तो मैच द टेबल विल मे बी कम, आपको ये आंसर आना चाहिए। और बुक नहीं लेके आते बेटा, आपको बुक नहीं लेके आते आप कैसे पढ़ पाओगे उसको, बुक लेके आनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें किस पर प्रेशर होता है, लैंड पे, वाई, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन है ना, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या कम अनाज से काम चल जाएगा, क्या चाहिएगा, ज्यादा अनाज चाहिएगा,
तो ज़्यादा अनाज चलने के लिए कि कृषि पर क्या हो जाएगा, भार आ जाएगा, है ना, प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि किसानों को ज़्यादा ज़्यादा क्या उगाना पड़ेगा, अनाज उगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लेबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं काम करने के लिए, कौन सी फार्मिंग में, इंटेंसिव फार्मिंग में। यहाँ पे बायोकेमिकल्स और इरीगेशन फैसिलिटीज़ तो यूज़ की गई हैं, पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। व्हाट डू यू मीन राइट ऑफ इनहेरिटेंस? राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, फादर से उसको जमीन उसके उसके पुत्रों को क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। तो दिस इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब राइट ऑफ इनहेरिटेंस होगा तो लैंड छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जब लैंड छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो रहे हैं, इनकी जो इनपुट है वो लिमिटेड है, ठीक है। और जब लिमिटेड होगी तो अब उनको लिमिटेड आउटपुट में ज़्यादा लेना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें यस इन किसमें, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे, और फिर वो क्या ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव काम ढूंढते हैं। भाई उनका कृषि से क्या नहीं चल पा रहा है, काम नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे काम को ढूंढेंगे, जैसे बास्केट बनाना या दूध का काम करना, पशुओं को पाल लेना, उनसे जो भी सामान मिल रहा है। तो ऑल दिस कम्स अंडर एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखना है आपको। एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए केवल आप एग्रीकल्चर खेती करना नहीं बोलेंगे, उसमें क्या आएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें क्या आएगा, फिशिंग, उसमें क्या आएगा, माइनिंग, इवन फॉरेस्ट्री ऑल्सो, जंगल जाकर जंगलों का उससे उत्पाद इकट्ठा करना भी इसमें आ जाता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है। दिस इज द सेकेंड इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग। क्लियर हो गया सेकेंड वाली? थर्ड वाली में हम पढ़ा था कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक यूज होती है, सीधी बात है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, प्रॉफिट को क्या कह सके, कमाया जा सके, ठीक है। तो आई होप ये तीनों आपको बहुत ही समझ में, इसमें मैक्सिमम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे इसमें से, तो आपको ये चैप्टर तो बाय हार्ट अच्छे से लर्न करना है, इज इट क्लियर। तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, तो कल वी विल डू द एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे और एमसीक्यू कल करेंगे हम, ठीक है, ओके।